9 घंटे बाकी है। इसमें सुनीता अय्यर को ढूंढना भी है और उसे वापस कोर्ट भी लेके जाना। ग्रेट। हेलो। हाँ, शिंदे बोलते है। कौन? इंस्पेक्टर शिंदे बोलते है थाने से। जी बोलिए सर। हाँ, ये जहाँ का नंबर है मेरे को वहाँ का एड्रेस मांगता है। 95। सॉरी सर, मैं आपको अभी एड्रेस नहीं दे पाऊंगा। माला लव कर पाएजे, अर्जेंट अभी मांगता है मेरे को, जल्दी दे नहीं तो वहाँ के बात करेगा तेरे से। ठीक है सर, मैं देता हूँ। 95-214-80-090 वसंत राव रोड अलीबाग बंगला नंबर 16। ठीक है। हम ढूंढा किए तेरे निशान, तेरे बिन और बिया जिया जाए ना। यूं शाम सहर यहाँ अपनी रूपाली का खून नहीं किया। अरे अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं यहाँ पर कैद नहीं होता। किसने तुम्हें कैद किया? कौन है ये लोग? ये एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पल फ्लावर के नाम से। ये उन्हीं का अड्डा है, यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने तुम्हें यहाँ तक आने दिया है। यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। अगर तुमने रूपाली का खून नहीं किया तो रूपाली का खून किया किसने? सुनीता अय्यर ने। वो इसी पर्पल फ्लावर गैंग की एक मेंबर है। मैंने उसे खुद किसी से बात करते हुए सुना है। तुम सुनीता के कॉन्टेक्ट में कैसे है? पागल था मैं, अंधा था। वो मुझे अपने जाल में फंसाती चली गई और मैं फंसता चला गया। उस कमीनी के चक्कर में मैंने अपनी भोली भाली पत्नी को धोखा दिया। समर खन्ना यहां आ चुका है, राकेश के कमरे में। मरने से कुछ दिन पहले रूपाली ने मुझे अपने बॉस कुणाल सिंह राठौर के बैंक लॉकर की चाबी दी और कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये चाबी फौरन इरावती को दे दूं। बात की खबर किसी तरह से सुनीता को हो गई और तब से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और मेरा ये हाल कर दिया। लेकिन मैंने वो चाबी तो क्या उस बैंक का नाम तक इन लोगों को पता नहीं होने दिया। मैं वो चाबी सिर्फ इरावती को दूंगा। और तुम इरावती से मिलोगे कैसे? यहाँ तुम इन लोगों की कैद में और वहां वो पुलिस वालों की कैद में, और हो सकता है कि कल सुबह उसे जेल हो जाए रूपाली के खून के इल्जाम में।
But there is a way out. अगर कल तुम कोर्ट में टेस्टिफाई करो कि रूपाली का खून इरावती ने नहीं बल्कि सुनीता अय्यर ने किया है तो इरा बच सकती है। हाँ, मैं टेस्टिफाई करूंगा। मैं इरावती को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहां से निकलना होगा भाई। Idiots. चलो तुम निकाली। मेरा पति अभी भी गलत फहमी में, लेकिन अब यही हमें बताएगा कि लॉकर की चाबी कहाँ है। समर खन्ना यहाँ से ना भाग पाए ये देखना तुम्हारा काम। Come on, let's go. लेकिन सुनो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जगह जगह पर अपने पास 4 घंटे है कोर्ट पहुंचने के लिए। हाँ, अगर जिंदा बचे तो पहुंच जाएंगे। हाँ। संभाल कर। हाँ।
टाइम क्या हुआ? 7:30। 7:30 मतलब कोर्ट पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे बाकी है, सिर्फ 3 घंटे। अगर कहीं से लिफ्ट मिल जाए तो अब जो भी गाड़ी आ रही है हमें उसे किसी भी हालत में रोकना ही पड़ेगा। God damn it, fuck! मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम पहले सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, के बाद कोर्ट जाएंगे। सीधा हॉस्पिटल चलो, जल्दी। नहीं सवर, सवर हमें पहले कोर्ट जाना होगा। मैं इरावती की जान को खतरे में नहीं आने दूंगा। नहीं तो मैं अपनी रूपाली को क्या मुंह दिखाऊंगा। केश तुम चिंता मत करो। नहीं सर, बहस मत करो, कोर्ट। सीधा कोर्ट चलो। थैंक यू राकेश, कुछ नहीं होगा इरावती को। आपके बेबू ने कोई सबूत नहीं मिला क्या? बाबा यही कहते हैं ये बड़ा रात नहीं किया। कहीं आपको लगता है कि ये कोई साजिश है? वो क्या है जिसे आपके वकील ने विटनेस बनाया है? मिश्रा जी, क्या आपको जेल में टॉर्चर किया है? मिश्रा वर्मा का एक ऐसी क्या आपको लगता है नहीं छोड़ी जी? नहीं ये सब मिश्रा वर्मा का। बस थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए चलिए आप लोग, चलिए रुकिए आप लोग, चलिए आ जाइए। करंट कमर कहां है? तुम परेशान मत, वो आ जाएगा। ओके मैं ढूंढता हूं उसे। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है। अरे तो गेला ना विटनेस ना वकील, अब तो कुछ नहीं रहा। ये केस का रिजल्ट भी आज ही लग जाएगा। चलो मैडम तुम चिंता मत करो। ओके आई विल फाइंड हिम। ये आदमी नहीं सुधरने। वक्त बहुत कम है, पहुंचने वाले कितनी देर लेगी कोर्ट पहुंचने में? 1 घंटा लगेगा सर। जल्दी चलो, तुम जल्दी चलो, तेज चलो। चला रहा साहब जी, चला रहा। राकेश आराम से, आराम से राकेश, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ पता चला? पता लग लगे जाए तो लॉयर थे वो नाम क्या? समर खन्ना, नहीं सॉरी दिलीप वर्मा, वो आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं सर, इलाहाबाद बार काउंसिल में मेरा फ्रेंड है। मैंने उसे फोन किया तो उसने मुझसे कहा भाई जिस दिन से इस कोर्ट का निर्माण हुआ है उस दिन से लेके आज तक कोई भी दिलीप नाम का वर्मा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने एक फैक्स की कॉपी मंगा ली है। मैंने कहा भाई भेज दो कुछ नाम, क्योंकि क्या पता कब कहां से कौन सा दिलीप वर्मा प्रकट हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। चलो चाय पी के आइए। आइए सर। सवार हम कोर्ट पहुंच गए क्या? पहुंचने वाले हैं। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि टाइम नहीं है, आज अपने बिजी शेड्यूल से वक्त कैसे मिल गया इसे।
डिफेंस लॉयर अपने विटनेस के साथ रेडी हैं। दिलीप वर्मा साहब तो अभी तक कोर्ट में आए नहीं है सर। मिस कोहली, आपके एडवोकेट कहाँ हैं? योर ऑनर, हवा में बातें करने वाले मिस्टर दिलीप वर्मा शायद खुद ही हवा में हो गए। ना तो वो खुद कोर्ट में है और ना ही उनका विटनेस। इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस को इस केस की तहकीकात करने के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए। और मिस इरावती कोहली को और 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखे जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। डिफेंस को आज सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी गई थी कि वो अपने गवाह पेश कर सके। गाड़ी में चेयर फास्ट, को डॉक्टर को बुलाओ, को डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, जल्दी। ये सब क्या है मिस्टर वर्मा? कौन है ये? योर ऑनर, ये राकेश मेहरा है, रूपाली मेहरा जिनका खून हो चुका है उनके पति हैं। इनकी गवाही इरावती कोहली को बेगुनाह साबित कर देगी। प्लीज आप इनकी स्टेटमेंट जल्दी नोट कर लीजिए। फौरन डॉक्टर को बुलाया जाए। नहीं जज साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे मुझे मेरा बयान देने दीजिए। मेरी पत्नी रूपाली कुणाल राठौर के पास काम करती थी। राठौर साहब रूपाली को अपनी बेटी की तरह मानते थे और रूपाली भी उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। हमारी जिंदगी खुशी से कट रही थी और फिर एक दिन सुनीता हमारी जिंदगी में दाखिल हुई। And then they lived happily ever after. I tell you. What's happening, Rupali? Hi. Arey, meet my friend Sunita. Hi. He's Rakesh. राठौर साहब की मौत के बाद रूपाली को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो पागल सी हो गई थी। सिर्फ दवाओं के असर से ही हम उसे शांत रख पाते थे। इसी दौरान मैं और सुनीता एक दूसरे के करीब आ गए। हमारी ये नजदीकी बनी रहे इसलिए रूपाली के ठीक हो जाने के बाद भी हम जानबूझकर उसे नींद की दवाएं देते रहे ताकि हमारी करीबी बनी रह सके। ये नहीं, छोड़ो।